हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टुगेदर विद अभी। अभी हम पाइथन वीडियो सीरीज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ये उसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में वीडियो 3 है जिसमें हम स्विच केस और टर्नरी एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स डायरेक्टली हेड ओवर टू पाइचार्म और यहाँ पे हम पहले स्विच केस पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्विच केस जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी लैंग्वेजेस में C#, जावा एक्सेट्रा सब में स्विच केस एक प्रोवाइड होता है। स्विच केस का मेनली पर्पस क्या है, आप एक कंडीशन देते हैं कि मान लीजिए अगर A1 है तो क्या करना है, A2 है तो क्या करना है, A3 है तो क्या करना है, इस तरीके के मल्टीपल केसेस होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि A की वैल्यू क्या है और उसके बेस पे वो आपका केस चल जाता है। इसको आप इफ एल्स के थ्रू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख दें इफ A=1 डू दिस, एलिफ A=2 डू दिस, एलिफ A=3 डू दिस, एंड आखिरी में एल्स लिख के आप यूज कर सकते हैं। स्विच केस का फायदा क्या हो जाता है कि लिखने में थोड़ा आसान है, देखने में थोड़ा आसान है कि आपको बस एक पता है स्विच, अगर स्विच की वैल्यू ये है तो कौन से केस में जाना है, दैट्स ऑल। तो मैं इसीलिए जो लोग स्विच केस से लेके कंफर्टेबल फील करते हैं उन्हीं के लिए मैं बस ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि पाइथन में भी स्विच केस आप बना सकते हैं। ओके, बनाने का सिंपल तरीका है, हम डिक्शनरी को यूज़ करके बनाते हैं। अब ऑब्वियसली अगर आप देखें स्विच केस क्या है, एक तरीके का की वैल्यू है कि अगर आपकी की 1 है तो आपको करना क्या है, वो करना क्या है जो हो गया वो आपका एक्शन हो गया जिसको हम वैल्यू कह रहे हैं, ठीक है। तो एक की है जो कि आपका पैरामीटर हो गया, इनपुट हो गया जो आपका स्विच लगाता है, और केस जो उसका बनता है उसके अगेंस्ट जो एक्शन हो रहा है वो की वैल्यू हो गई। इसीलिए हम की वैल्यू के थ्रू भी इस चीज़ को अटेन कर सकते हैं और वही मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ कि डिक्शनरी के थ्रू आप एक चीज़ कैसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिक्शनरीज भी की वैल्यू पेयर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले कोई इनपुट ले लेंगे। तो हम सिंपल सा एग्जाम्पल, लेट्स से जस्ट थिंक अबाउट इट कि मान लीजिए अगर आपका 100 स्कोर है तो मैं आपको ग्रेड ए दे रहा हूँ, 90 है तो बी दे रहा हूँ, सी 80 है तो सी दे रहा हूँ, इस तरीके का कुछ एक छोटा सा कोड लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। हर बार हम यूज़ करते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू, इस बार मैंने सोचा कि लेट्स टेक दिस वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए एक फंक्शन होता है इनपुट, सो वी विल से टेल अस योर मार्क्स, ओके टेल अस योर मार्क्स। तो हम उससे यूज़र से उसके मार्क्स पूछ रहे हैं और जो भी मार्क्स वो बताएगा वो हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर आप देखें यहाँ पे प्रिंट ए आप कर सकते हैं। ओके, तो यूज़ टेल 100 मार्क्स, सो इट टोल्ड यू 100। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये ए जो है मैंने 100 लिखा तो ये स्ट्रिंग गया या इंटीजर गया, अगर वो आपको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट करा सकते हैं टाइप ऑफ ए एज वेल। इसका स्विच केस से कोई लेना देना नहीं है बट फिर भी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं ये सब दिखा रहा हूँ। ओके, सो ये स्ट्रिंग क्लास का है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इंटीजर टाइप का हो जाए तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो भी मेरा इनपुट आएगा उसको मैंने इंटीजर में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इट टेल्स यू, सो होपफुली इट शुड बी गुड फॉर अस, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। तो अब जब ये इंटीरियर में कन्वर्ट हो गया तो हम आसानी से अपना स्विच केस लगा सकते हैं, हम प्रिंट कराएंगे जो भी आउटपुट होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिक्शनरी यूज़ करेंगे। डिक्शनरी को लिखने का तरीका क्या होता है पाइथन में, कर्ली ब्रेसेस होते हैं। ओके, कर्ली ब्रेसेस क्योंकि ओपन हो चुके हैं तो हम मल्टी लाइन्स में भी स्टेटमेंट को दे सकते हैं। और मेरा सबसे पहला एक्सप्रेशन आता है 1, अगर 1 है तो आपको क्या ग्रेड लिखना है, ग्रेड ए, ठीक है, कॉमा लगाया। अगर सॉरी 1 की जगह आई से 100, ओके, अगर 90 है देन योर ग्रेड इज बी, एंड लास्ट हम ले लेते हैं लेट्स जस्ट से 80 मार्क्स और हैं आपके, तो आई एम सेइंग इट इज ग्रेड सी, लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल, ठीक है। अब इन वैल्यूज को, ये तो हमारे केसेस डिफाइन हो गए, अब ये वैल्यू हमारे को कहाँ से मिलेगी, उसको लिखने का एक तरीका है, सिंपली आप लिखें यहाँ पे, इसको एक लिस्ट की तरह यहाँ पे हम पास कर देते हैं और यहाँ पे ए की वैल्यू हमने पास करा दी। तो नाउ लेट्स ट्राई दिस, इज इट वर्किंग फाइन और नॉट।
सो हमने यहाँ पे 100 पास कराया एंड लेट्स सी व्हाट इट प्रिंट्स. सो यू कैन सी व्हाट इट डिड. इसने इंटीजर लिया ए के अंदर, 100 वैल्यू आ गई जो कि एक इंटीजर टाइप की है. एंड दिस इज द वे यू राइट स्विच केस इन पाइथन यूजिंग डिक्शनरी. तो आपने क्या किया, ए ने वैल्यू जैसे ही वैल्यू ली 100, देन इट गोज टू दिस डिक्शनरी, चेक करता है कि डिक्शनरी के अंदर वो की कौन सी है जिसकी जिस व्हाट इज द की वेयर वी हैव यू नो द वैल्यू इक्वल टू 100, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उसको मैंने आउटपुट की तरह दिखा दिया. सो दिस इज हाउ स्विच केस कैन बी रिटन इन पाइथन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्नरी ऑपरेटर्स. अब टर्नरी ऑपरेटर्स भी अगेन कई लैंग्वेजेस में यू नो सी वगैरह जितनी भी अदर लैंग्वेजेस हैं, जावा वगैरह, उसमें टर्नरी ऑपरेटर होता है जो कि यू नो क्वेश्चन मार्क कोलन इससे आप डिफाइन कर सकते हैं. सो जिन लोगों को पता होगा इट्स ओके. सो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन कि नो इफ इन केस दिस इज द स्टेटमेंट डू दिस एल्स डू दिस, ये अपने आप लग जाता है. तो इन वन लाइन इट्सेल्फ यू कैन राइट द एंटायर स्टेटमेंट इफ एल्स, आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं. उसी चीज़ को हम पाइथन में कैसे अचीव कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था पाइथन बिल्कुल इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है. ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे वही चीज़ लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा, प्रिंट ओके प्रिंट ए. ठीक है, इफ ए इक्वल इक्वल टू 100, एल्स प्रिंट बी. इफ ए इक्वल इक्वल टू 90, एल्स प्रिंट, मान लीजिए बस हम यहीं पे इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं तो मैं यहीं पे लिख दूंगा एल्स प्रिंट सी. इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इट डज. सो आई टेल हिम इट्स मार्क्स अगेन. सो आपने देखी यहाँ पे इसने ए प्रिंट कर दिया. सो इंस्टेड, तो देखिए असेंशियली तो आप इफ एल्स कितना भी बड़ा लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट फॉर द रीडेबिलिटी पर्पस ओके. आप उसको स्विच केस में लिखना चाहते हैं या टर्नरी ऑपरेटर में एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं, वो मैंने आप पे छोड़ दिया. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इट. सो अगर किसी को लगता है कि पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर नहीं होते, स्विच केस नहीं होते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. पाइथन में जो दूसरी लैंग्वेजेस कर सकती हैं वो सारी चीज़ें पाइथन कर सकती है, बल्कि उससे ज़्यादा ही कर सकती है, मोर सिंपल वे में कर सकती है. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दिस इज़ लाइक अ किस कोई भी पढ़े, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन मार्क या ये सब लगा दूं तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन मार्क और कोलन का मतलब क्या है. पर यहाँ पे आपको कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं, ये सिंपली एक इंग्लिश का स्टेटमेंट लग रहा है जिसमें मैं कह रहा हूँ प्रिंट करो ए अगर ए की वैल्यू 100 है, नहीं तो प्रिंट करो बी अगर ए की वैल्यू 90 है, नहीं तो प्रिंट सी कर दो. तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं. दैट इज़ वाई पाइथन इज़ अ लॉजिकल लैंग्वेज, वेरी क्लोज टू इंग्लिश, वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, वेरी ईजी टू कोड, and it is quite powerful. So that is why it is becoming flavor of the market of the IT industry as of now. That's all that I wanted to discuss for the conditional statements. Next we are going to discuss the loops. We will start with for loop and then a while loop. So I hope you like this video. Aapko isme kuch acha learning experience mila ho to please do subscribe to our channel, like it, share it and comment, provide us your feedback. That would be really appreciated. Thanks for your time. I'm going to go to the next one.